मोबाइल पानी में चल चुका है और ये पूरा मशक्कत करते हुए मोबाइल मिस्टर रयान मिसेस कहाँ है पता नहीं है रयान हमको आपसे कुछ आपकी मिसेस कहाँ है अभी नहीं हुई और वो क्या जॉर्डन पहन के घूम रहे हो जॉर्डन का जॉर्डन नहीं नाइकी मोबाइल पानी में चल चुका है और ये पूरा मशक्कत करते हुए मोबाइल को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा ऑपरेशन चालू है अब अभी फुल कोशिश हो रहा है पानी खुल चुका है और ट्राई कर रहे हैं लोग खाए गाइस मेरा फोन तो जा चुका है पानी में काम नहीं कर रहा अच्छे से तो आज मैं उसे बनवाऊंगा अब जितनी वीडियो बनेगी हम शाहरुख मिलकर बनाएंगे शाहरुख बनाएगा मैं बनाऊंगा दोनों मिलकर बनाएंगे दोनों हम लोग साथ ही में डालेंगे तो इसके चैनल पर वही दिखेगा जो मेरे चैनल पर दिखेगा बाकी मोबाइल गिरने तक का तो बात बहुत खड़ा है पापा का काम कर रहा है बट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर काम नहीं कर रहा कभी साउंड आ रहा है कभी नहीं आ रहा है तो मैं जाऊंगा बनाऊंगा सबसे पहले तो पानी जैसे गिरा मैंने तुरंत निकाला उसको पोछा पोछने के बाद मैं सुस्ता पकड़ रख दिया और साइड वहाँ मेरे को बुरा लगा थोड़ा सा कोई नहीं हम लोग दोनों मिलकर भाई लोग बना लेंगे साथ में भाई लोग जिंदा है इन लोगों में देखा जाएगा मोबाइल भी हो सकता है छीन लूँ मैं मतलब फिर ये तो है ही शाहरुख भाई है ही बना लेंगे हम लोग और गाइस ये देखिए परचम सब आने लगा है वैसे वहाँ पे जा रहा है सब मिलन के लिए और इतना भीड़ हो चुका है आप देख सकते हैं इतना भीड़ हो चुका है आज तक मैंने इतना भीड़ सीआरपीएफ में नहीं देखा है ये है वैसे और बड़ा खूबसूरत लग रहा है वो पुल टापुर पुल वही वहाँ पे हो सकता है मेरे को चांस है या तो नदी में होगा शाहपुर डाटा में जा रहा है सब बाइक वाइक जा रहा है अभी तो आपको दिखाएंगे देखिए मेरा भतीजा वहाँ पे चुचा से बेचारा बालू से खेल रहा है रांची में रहा है ना अब यहाँ बेचारे को अच्छा लगा तो मेरे अपने मामा का अपना बेटा है ये अपना बेटा ये मेरे मामा के बेटा का बेटा मतलब मेरे मामा का पोता है और ये है इकलौता मेरे भैया जो है मेरे मामा के बेटा वो भी इकलौता है इसकी भी दो बहन उनकी भी दो बहन मतलब ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं मेरे मामा की दो बेटी और उनकी पोती भी दो और बेटा एक उनको पोता भी एक और ये देखिए इंजॉय पूरा कर रहा है गाइस मेरे फ्रेंड के कैमरे में थोड़ा सा पानी चला गया कोई नहीं वो बन जाएगी खैर कुछ वीडियो में शाहरुख ने मेरा बहुत हेल्प किया मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अगर मेरा फ़ोन चला गया फिर उसने मतलब कोई बात नहीं भाई आपका फ़ोन चला गया हम दोनों साथ में व्लॉगिंग करेंगे साथ में बना लेंगे दोनों एडजस्ट हो जाएगा तो शाहरुख ने मेरा बहुत सारा वीडियो बनाया है व्लॉग किया मतलब साथ में बनाया बहुत सारा वीडियो बनाया है तो मैं शाहरुख का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अगर शाहरुख तुम ये वीडियो देख रहे हो तो खुश हो जाना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा सामने बस उसका मेरा आवाज़ नहीं गया है आवाज़ आ रहा है भाई साहब हम बड़े खुश हैं कि एक असली ब्लॉगर के चैनल में आ रहे हैं और आज हमारा हेल्थ ये देखिए मैंने अपने हाथ पीले कर लिए कल मेरी शादी है शादी हो गई हाथ पीले करने का शौक़ किसका है बेचारा को कोई लड़की नहीं मिल रही अफसोस की बात है आप देख सकते हैं ये जो है ये हाथ पीला करना चाहते हैं सो गाइस देखिए हर साल क्या होता था ना कि डाल्टनगंज वाला अखाड़ा लेकर आता था और शाहपुर वाला नहीं आता था इस बार उल्टा हो गया शाहपुर वाला पहले आ गया और डाल्टन वाला नहीं आया शाहपुर डाल्टन वाला ने पूरा प्रॉपर बदला लिया है हर एक मुहर्रम में
हर एक मुहर्रम में हमेशा लेकर आता था डाल्टनगंज वाला अखाड़ा, और वो थोड़ा लेट करता था, लेट किया, बहुत लेट किया। आज वही लोग पहले आ गया, यहाँ से कोई आया ही नहीं है, मतलब आज डालते वालों ने फुल बदला लिया है। आज शाहरुख की ब्लॉगिंग कर रहा है, आज शाहरुख। सो गाइस, मुहर्रम का अखाड़ा आ चुका है, मुहर्रम का सारा अखाड़ा आ चुका है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये लोग यहाँ से और वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो लोग वहाँ से आ रहे हैं और ये लोग यहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे देख देख कर हंस भी रहे हैं, बट आई डोंट केयर, लोग मुझे क्यों देख के हंस रहे हैं मुझे कोई पता नहीं। अरे अचानक वहाँ पे ना कहीं पे मिलेंगे ये लोग। गाइस ये देखिए डालटन वाले आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अखाड़ा सब आ चुका, और वहाँ से वो लोग आगे नहीं बढ़ता, बस वो लोग हमको मुझे यही अच्छा नहीं लगता कि वो लोग आगे नहीं बढ़ता है, वो लोग वहीं पर जाता है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग भी आगे बढ़ना चाहिए था, बीच में यहाँ पे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बस ऐसा कुछ नहीं, वो लोग वहाँ हैं, वो लोग वहाँ, और वो लोग बहुत दूर पर, वो लोग जल्दी आगे बढ़ते ही नहीं हैं। और शाहरुख भी पता नहीं कहाँ चला गया, देखिए इन लोग भी आगे आगे बढ़ा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने दौड़ लगा दी है पूरी। मुझे बस ये लोगों का यही ख़राब लगता है कि हमारे तरफ डालते हैं सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो लोग बढ़ता नहीं, आप देख सकते हैं वहीं पे रुका हुआ है, डालते हैं इसका आधा क्रॉस कर गया, आप देखें नदी से पूरा क्रॉस कर चला गया, और वो लोग वहीं पे रुका, वो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। हर साल का ये लोग का है, कोई ऐसा साल नहीं जैसा नहीं रहता है। और मैं अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझे देख देख कर, और मेरा निफ्यू अयान जो है वो अपने पापा से बात कर रहा है, मेरे भैया उसको कॉल किए हैं। सो आप देखिए, आप लोग खुद देखें शाहरुख। सो गाइस, आप लोग देखें कि डालते हैं इसका आकार आ रहा है, ये लोग यहाँ आ गए, आधा नदी क्रॉस कर गए, ठीक है, ये लोग आधा नदी क्रॉस कर गए, और वो लोग को देखिए, वो लोग वहीं पर, वो लोग जल्दी आता ही नहीं है, कभी नहीं। सो देखें देखें यहाँ व्लॉगिंग भी बहुत से लोग कर रहे हैं, और बहुत से लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग बुलाएंगे, बहुत से ज़्यादा आगे नहीं जाओ, ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा यहाँ से। ये देखिए डालते हैं वाले, देखिए कहाँ पड़ गया, वो लोग देखिए, और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये हो गया, चलिए हो गया, तो देखिए यहाँ बहुत से लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, देखिए आप। मातम देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए डालटनगंज आधा कबड़ के आ चुका है यहाँ पे, डालटनगंज वाले सारे आ गए हैं, बट आप देख सकते हैं कि शाहपुर वाले सब वहीं पे, आप देखिए शाहपुर से यहाँ कितना डिस्टेंस, और डालटनगंज से आप डिस्टेंस देखिए वहाँ से होते हुए इतना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब हो गया मिलन अच्छे से, खैर मुझे अब जैसे, सो आप देखें अब सब अच्छे से, आप सब वापस जाएंगे, आप देखें शाहपुर वाला कितना पास में, कितना सा, और डालटनगंज वाले आप देखिए आधा नदी क्रॉस कर गए, यहाँ देखिए बहुत से लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं, देखिए शाहपुर वाले वापस चले गए और डालटनगंज वाले भी वापस जा रहे हैं, आज बहुत साल के बाद नदी में मिलान हुआ है, मुझे लगता है कम से कम 6 या 7 साल नहीं शाहरुख, 6 या 7 साल के बाद नदी में हुआ है, वरना नहीं, वरना पुल ही पर हो रहा था। मैं जब छोटा था तब मैं नदी में देखा था, मैंने देखा था, और अब मैं इतना बड़ा हो गया, 19 साल का हो गया, तब जाकर अभी यहाँ देख रहा हूँ। मुहर्रम के 40 में हो सकता है मिलान, पुल में हो, नदी में पानी भर सकती है, तो आप भीड़ देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, भीड़ देखें आप, भीड़ डालटनगंज की पॉपुलेशन मुझे लगता था कि नहीं, बट डालटनगंज में पॉपुलेशन है, अच्छी पॉपुलेशन है, और ये बच्चा चला गया। तो सो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आइस अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग मुझे देख देख कर अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या लगता है लोगों को नहीं पता, पहले मुझे ना शुरू में अनकंफर्टेबल लगा था, मैंने शुरू से व्लॉगिंग स्टार्ट किया अनकंफर्टेबल लगा था, बट अब ईजी लगता है, और आप देखिए शाहरुख भी बना रहा है, शाहरुख हम दोनों आराम से दिख जाएंगे एक दूसरे के व्लॉग में, अगर ऋषि भाई नहीं मिले तो उनके व्लॉग में मिले, ऋषि भाई ने कोई आता ही पता नहीं क्या था। वैसे मैंने अभी तक ऋषि भाई को अपने ब्लॉग में नहीं लिया है, और इंशाल्लाह लूंगा, इंशाल्लाह, हाँ मैंने भी सोचा है कि लूंगा, देखिए अखाड़ा वापस जा रहे हैं, ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, वो तो स्टार हो गए हैं समझिए, तो डालते हैं उसके लिए, डालते हैं कोई डालते हैं उनमें हैं।
अब जो है सारा ये जा रहा है अखाड़ा वापस, सारा अखाड़ा रतन जा रहा है वापस। बस शाहपुर का अखाड़ा भी चला गया। पहले कहते हैं कि शाहपुर का अखाड़ा लंबा और इतना, पता नहीं क्यों इस साल उन्होंने मीडियम साइज में रखा है। देखें अब वापस जा रहा है। मेरे मोहल्ले के, पहाड़ी मोहल्ले के बहुत सारे लोग आए हैं। ये दिलशाद नाम है इसका, दिल्लू, हमने प्यार से दिल्लू बोलते हैं। मेरे ही मोहल्ले में था, पर अब ये शाहपुर चला गया, शाहपुर में रहता है। खैर सब डालते हैं, इसका वापस जा रहा है और शाहपुर का ही वापस जा रहा है। और वहाँ देखिए मातम, तो गाइस आप लोग यहाँ देखिए, ये लोग यहाँ मातम कर रहे हैं जितने लोग हैं सारे। और शाहरुख भी नारे लगा रहे हैं साथ साथ ही, आप देख सकते हैं। आप देखें शाहपुर और डालते हैं, हमारे लोग साथ में हैं। क्या लगा हुआ, क्या नहीं लगाएंगे, उन्होंने ज़्यादा मातम कर दिया इसलिए वो थोड़ा सा मदहोश टाइप हो गए हैं, बेहोश होने लायक। बस हो गया, चलिए सब वापस जा रहे हैं अपने अपने एरिया में। चलो शाहरुख, शाहरुख तो मैं जिस ऋषि भाई का बात करता है उसी का छोटा भाई है, इसने मुझे बहुत मोटिव किया है। और ये इनका भी ब्लॉग चल रहा है डीमोटिवेट करने वाले लोग ही मिले थे। ऋषि भाई और अनस और अमन भाई, ये लोग ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिव किया। शायरी में बताते तो बहुत सारे लोग बोलते मत बना, सब तुमको ये बोलेगा वो बोलेगा, बट ऋषि भाई ने कभी नहीं बोला, अमन भाई ने बोला कि तुम बनाओ, तुम आगे जा सकते हो, कोशिश करो। तो ये लोग का मैं तहदिल से शुक्रिया करता हूँ। ये जा रहा है, हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत व्लॉगिंग कर ली और वीडियो रात तक कंटिन्यू रहेगी, शाहरुख का रात तक मेरे साथ, हम साथ ही में रहेंगे। बट अयान चला जाएगा, मेरा भतीजा जो है वो चला जाएगा, क्योंकि ये लोग को जाना है गढ़वा, इसकी नानी गढ़वा में है और मेरी भाभी जो है वो गढ़वा में है और मेरे भाई ने इसको लेकर जाने वाले, तो ये चला जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि डालतेगंज में आया और ये पीछे में नारा लगा रहा है, शाहरुख ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। बोलो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। क्या हुआ, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, हम हिंदुस्तानी है, दिल से जय हिंद बोलते हैं, देख सकते हैं। इधर चला गया और इधर का खड़ा इधर चला गया और प्रशासन भी अब जा चुका है। जो ये था, और तुमको कहाँ जाना है, आप भीड़ देख सकते हैं, वहाँ बहुत से लोग नारे, और वैसे में हो सकता है कोई हमारे दोस्त में जब हमें भिड़ाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं पीना, मेरा आधा पैर भीग चुका है ऑटोमेटिकली, पानी में फोन भी डूब चुका है, अभी ठीक है, अभी मेरा फोन खींच चुका है, नहीं गिरेगा, टेंशन नहीं लो। और यहाँ पर लोग ना, मेरा भी जो दिल है ना वो नहाने का कर रहा है, लेकिन नहीं मैं नहीं नहाऊँगा, तबीयत खराब हो सकती है। सो आप देखें कौन सा परचम, ये वाला पानी में चला गया था, ये परचम, ये बोल रहा है शाहरुख पानी में चला गया, शाहरुख बोल रहा है कि ये परचम पानी में, मुझे तो पता नहीं था कि पानी में गया था, बहुत ज़्यादा भारी हो गया होगा। और आप देखें ये लोग यहाँ नहा रहे हैं, सही बताओ तो मेरा भी दिल नहाने को कर रहा है, और मैं अभी मोबाइल देख रहा हूँ, मेरा मोबाइल एक बार पानी में जा चुका है, तब मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ। आप देख सकते हैं इतना तो मेरा भीग चुका है, और अब मैं बेचारू हो रहा हूँ, तो मैं जाने की कल जाऊँगा, अब मुझसे कभी आया हूँ, मैं नहाया हूँ, ये नहाने वाले अब टाइम मारने वाले हैं। मेरा भी मन कर रहा है, पर मैं नहीं नहा सकता क्योंकि मेरे को सर्दी खांसी दोनों है। अगर मैं पूछेगा तो मैं बोल दूंगा किसने मुझे भिंगा दिया था, बस यही है। पूरा भर चुका यहाँ पे, अब मुझे लगे कि धन और पहले पिटाऊंगा मैं जनता से, गाँव ना पिया, लेकिन धन मुझे पक्का लगेगी, फिर मैं घर जाऊंगा दौड़कर कपड़ा से, फिर वहाँ देखा दोस्तों Yeah.
की चल रही है यहाँ पे। मैं चलता हूँ। चलो